उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते चार धाम यात्रा पर फिर एक बार ब्रेक लग गया है। एक तरफ तेज बारिश के चलते राज्य में नदियां उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ियों से लगातार गिर रहे बोल्डर सड़क हादसों को अंजाम दे रहे हैं। तेज बारिश के चलते केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा एक बार फिर बाधित हो गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी के किनारे स्थित सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। इतना ही नहीं, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से 15 से 20 मीटर ऊपर बह रही है। नदी किनारे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो नदियाँ जल्द ही डेंजर लेवल से ऊपर बहनी शुरू हो जाएंगी। पहाड़ों में मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। कल रात से लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। एक ही बारिश से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन होने का सिलसिला जारी हो गया है। 2 दिन की बारिश में जहां 2 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, वहां 15 से अधिक तीर्थयात्री घायल हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी दिक्कतें बढ़ गई हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पे आ गई हैं। इस समय मैं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे मौजूद हूं और आप नदी की स्थिति देख सकते हैं। नदी पहले ही बरसात में विकराल रूप धारण करके बह रही है। नदी किनारे जो भी स्नान घाट हैं या पैदल मार्ग हैं, वह सब पानी में समा चुके हैं। अपने डेंजर लेवल से कुछ ही नीचे नदी बह रही है। अगर यही स्थिति रही, बारिश इसी प्रकार लगातार होती रही, तो आने वाले 1-2 दिन में खतरे के निशान से ऊपर नदी का पानी पहुंच जाएगा। वर्तमान में जो नदी की स्थिति है, वह अपने मूल बहाव से 15 से 20 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में दिक्कतें जारी हो गई हैं और नगर पालिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि लोग नदी किनारे न जाएं, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। प्रवीण थेमाल, उत्तराखंड तक, रुद्रप्रयाग। बारिश के चलते सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे तो नौलापानी में केदारनाथ हाईवे सुबह से बंद पड़ा है। हजारों यात्री और स्थानीय लोग हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हाईवे बंद होने से चार धाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। गाड़ी पीछे बत्तर आ रहा है, आप गाड़ी हटाइए। आज सुबह से बद्रीनाथ और केदारनाथ से सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे यात्रियों के ऊपर अचानक पहाड़ी से मलबा गिर गया था। मलबा गिरने से राजस्थान के बांसवाड़ा निवासी जयंती लाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे 3 यात्री फिलहाल घायल हैं। भारी बारिश के बीच अगर आप भी चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या यात्रा मार्ग पर हैं, तो पहले मौसम का हाल जान लें और मौसम खुलने के बाद ही यात्रा पर जाएं। उत्तराखंड तक के लिए रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।